राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील ब्लॉक जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज सच दिखाने का हम हैं आपकी आवाज। ऐतिहासिक किले में नूतन वर्ष सेलिब्रेट करने श्रद्धालुओं का उम्दा जनसैलाब। बता दें कि नूतन वर्ष मनाने विजय राघवगढ़ के ऐतिहासिक किले में 1 जनवरी के सुबह 8 बजे से ही अमर शहीद राजा सरयू प्रसाद सिंह जी के किले में अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा। किले का भ्रमण कर ब्रह्मा चबूतरे के दर्शन के साथ शारदा माता के दर्शन किए। विजय राघवगढ़ के किले में स्थित ब्रह्मा चबूतरे में हजारों की संख्या में लोग मन्नतें मांगते हैं। विजय राघवगढ़ का ये किला वास्तु वैभव का अप्रतिम नमूना है। 857 की क्रांति का आगाज इसी किले से अमर शहीद राजा सूर्य प्रसाद सिंह ने किया था। ये किला राष्ट्रीय स्मारक के रूप में देश का इकलौता किला है। ये ब्रह्म चबूतरा चमत्कारी है। यहाँ जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं वो अवश्य ही पूरी होती हैं। इसलिए नूतन वर्ष में ये लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये किला अभी पुरातत्व विभाग में संरक्षण में है। इस वक्त पर हम खड़े हुए हैं नूतन वर्ष के पावन अवसर पर विजय राघवगढ़ के ऐतिहासिक किले में। विजय राघवगढ़ का ऐतिहासिक किला सन 1857 की क्रांति का अमर शहीद राजा सरयू प्रसाद सिंह के बलिदान की याद को दिलाता हुआ यह किला आज सन 2019 के 1 जनवरी के पावन अवसर पर यहां श्रद्धालुओं का अपार मेला लगा हुआ है और पर्यटन की दृष्टि से कटनी जिले में विजय राघवगढ़ का किला 1 जनवरी को विजय राघवगढ़ के इस ऐतिहासिक किले में 1 जनवरी को सेलिब्रेट करने के लिए क्षेत्र और जिले के कोने कोने से हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पूरा नाम क्या है? मेरा नाम राज नारायण पटेल है। आप कहाँ से आए? मैं जुकेही से आया हूँ। अच्छा, कैसा लगा ये किला देख करके आपको? यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा मेरे को आके। क्या होना चाहिए यहाँ पे? सरकार द्वारा मरम्मत करवानी जानी चाहिए। अच्छा, इसको पुरातत्व विभाग में ही रहने दिया जाए? इसको पर्यटन में देने की शासन की मंशा थी, किंतु इसको पुरातत्व में रखने से फायदा है। तो आप क्या चाहते हैं? यहाँ पे अच्छा बनवाया जाए और इसकी रिपेयरिंग करवाई जाए। समय जगत के लिए सुरेंद्र दुबे की रिपोर्ट। पर समय जगत एक संदेश पूरा देश।